वे में क्या यो यो दिखाई दिखुई जने पुरस्कार ले मिलोन सरकार बे अब रात दिन नौकरी तनखा कमाए बे क्यों 100 रुपया लायो लाग रोन बे तो दिन बे और की कुना ने कतु लगा रहा फिन रुपए बोर्ड फिलहाल बोर्ड मतलब यहाँ उसी का कुछ रेतीले थे अगर पाई जो लोगों ने 10,000 पेड़ लगाए। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पहुंच जैसे भी थोड़ा घर गंगोले हार से। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी सुबह सुबह कर रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिलहाल दोस्तों अभी 6 बजे से। और ब्लॉग की शुरुआत आज फिलहाल घर से नहीं हो रही है। अभी जो आँखें हैं हमारी वो भी अभी पूरी नहीं खुली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत दूर यार दगड़ियो। फिलहाल 4:30 बजे से घर से चल रहे हैं और अभी बहुत टाइम हो चुका है। अब देखो किस टाइम पहुंचते हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है। अभी फ़िलहाल आधा घंटा और लगेगा पहुंचने में। तो अभी अभी जैसे ही उजाला हुआ, जब पूरा उजाला हुआ तब मैंने कहा चलो अब ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं। फिलहाल दोस्तों आज हम जा रहे हैं मुनखुला, परसों हम गए थे बोड़ी और आज हमारा टूर है मुनखुला का। मेरे साथ है हिमांशु, आप लोग देख सकते हो आगे पे चल रहा है। और आज हमारे पंडित जी नहीं है, पंडित जी बोल रहे थे अब नहीं आ सकता हूँ मैं, मेरी बस की नहीं है वहाँ चलना। फिलहाल उसके लिए बहुत दूर हो जाता है, हमारा तो थोड़ा नज़दीक हुआ ही। पर दगड़ियो अल्लाह खुट खमी गया ना तल के हिटन हिटन आजी मल के लिए हिटन से। फिलहाल आज मैं भी आज भी बैग ही लेके आया हूँ पर आज बैग का रंग दूसरा है। मैंने कहा चलो क्या होता है वहीं जाके पता चलेगा। और हिमांशु तो कट्टा ही लाया, शायद वो पीठ में लगा के लाएगा आज। तो दगड़ियो जो आज मौसम है रो, मौसम कहीं तगड़ो वाले रो। फिलहाल ऐसा मौसम हमारे घर पहुंचने तक हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि बादल ही बादल हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज का मौसम देख सकते हो कुछ इस तरह का मौसम है। और भनारगाड़ में भनारे की आवाज़ में भुबाट भुबाट आवाज़ आ रही है, आप लोग देख सकते हो। और आज का जो व्यू है ये रहा व्यू। फिलहाल घर पहुँचने तक ऐसा ही मौसम रह जाता और ठंडी ठंडी हवाएँ चलती तो हाथ दगड़ियो रंगत ऐसे थी यार। अब मौसम आप लोगों ने देख ही लिया है। फिलहाल मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यार दगड़ियो, यार जो गांव है जो यहाँ लोग रहते हैं कैसे रहते होंगे यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कितना दूर हो गया उनके लिए। न यहाँ रोड, न यहाँ हॉस्पिटल, न यहाँ स्कूल। जब कोई बीमार आदमी बीमार हो जाता होगा उस टाइम क्या करते होंगे सोच रहा हूँ मैं। वही बात मैं हिमांशु से भी कर रहा था अभी जिगर ने कहा यार क्या करते होंगे। वही हुआ दगड़ियो, पहले का ज़माना हुआ ना तो गांव घरों में जहाँ रोड नहीं है कोई सुविधा नहीं है वही पहले की वो करते हैं यार। आजकल तो चलो डोली बन गई, पहले डोली नहीं थी, पहले कुर्सी ऐसी वगैरह बना के लकड़ी की कुर्सियाँ बना के उसमें बिठा के ले जाते थे कंधे में। और आजकल तो चलो डोली हो गई, डोली में थोड़ी बहुत पकड़ने के लिए सही रहता है। पर यार बहुत दिक्कत है यार दोस्तों यहाँ ऐसे गांव में ना। और अभी हम जा रहे हैं मुनखुला आम लेने के लिए। फिलहाल परसों दुलपिदा के जो आम लाए थे वो आम ख़त्म हो चुके हैं यार दगड़ियो, आम लग गया यार खाब। अब बाजारा आम तो खाई नहीं क्या है कि बहुत है महंगा है यार। अब यहाँ का आम खनूँ चाहे यहाँ का आम कॉस्ट हूँ कॉस्ट लागे खान बखर तुम्हारे बतूँ। अगर आप लोगों के लिए भी चाहिए कमेंट में ज़रूर कर बता दो, आप लोगों के लिए भी ज़रूर आम भेजे जाएंगे यार। पटाएगा यार मतलब हवन इस लागे खंड शीतुला होना आज पत्ते लागण में दगड़ियो कौश हूँ शीतुल का। और बाढ़ चो हो इस बाढ़ एरियान मतलब क्या ना कह सकना घुमावदार बाढ़ सुनियो जो मेरा अगिल हिटन मो हिमांशु देख सकता कश के गोल का हिटन है रो। आहा दगड़ियो पहाड़ जिंदगी कहाँ मिला यार, इस एक चीज़ा मिल गई ये नाम की कुनन पहाड़न में कमेंट में ले जरूर बतिया। इस परेशान है गया ना हिटन हिटन क्या बता नहीं सकना, उसी का पीत लाग रहा है हिटन में अगिल वह बड़ुआ जो जाल उन्हें उन्हें परेशान कर रहा है दिखी ना भाई सिद्ध मुखन में लागण में यार बता पीत आ गई इमू इमू का तू लागिन ला अल तक और जाग 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 की लटकी रिया यार लुताड़ वालू। अरे
परेशान है क्या याद गयो। और जो जंगल थे यहाँ साझा जंगल ने बहुत घना जंगल थे याद गयो। रात को यहाँ आने में बहुत डर लगे, बाघ हाक परी भूत उतना यहाँ उछ कि जंगल तांडव से। फिलहाल अब दगड़े तू मन का मिलू कि ब्यो हिम्मत कमीज में दगड़ो एक चूड़ा लग गयो। तो अब मिलते हैं दगड़ियो तुमको सीधे मुनखावला पूछबे। और यहाँ ने यार दगड़ियो एक बात आप बताऊँ तुम्हें, यार जाग 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 ने मटे मार दिखी रो यार ध्यूड़ोक हमारे उतनी कम से जो तू ये साइड दिखी रो मैं। फिलहाल यहाँ को इतना इतनी मिट्टी दिख रही है और अलग अलग कलर की मिट्टी दिख रही है, यहाँ हरीले से लाल ले से पिंगोले से। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मुनखवा आदिम लाल हरीशन जो छो एक झूड़ी हो सो हाँ एक झूड़ में लगी यू वाल अलग माठ छो हाँ तल में अलग माठ होल एक लाल माठ होल। अरे रंगत आ रहा दगड़ियो पर की कन्नू मौसम हम बिगड़ गयो क्या ही बड़वा जानना ऊपर। और ये रात यार पछड़ल इस हालत खराब है रहा आज मल के जान छो बोझ ली जाए यार मल के जान बखत की होल इस बार में हम क्या ना कह सकना। फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंच गए मंदिर के वहाँ पे, ये छुरमल का मंदिर है ना, तो छुरमला मंदिर में पूज जाए दगड़ियो इला पानी मिलो ना हाथ मुँह कर धोया आज दोबारा क्या कि गर्म है कि एक बार पहले भी आपने यहाँ पे भागवत वगैरह देखा होगा। एक बार पहले भी आया था मैं यहाँ पे, आपको मैंने भागवत भी दिखाया था। ये रहा छुरमल का मंदिर, आप लोग देख सकते हो ये रहा गेट और दूसरा गेट। जय हो। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ मनखोला और जहाँ पे हम बैठे हैं इसी मकान के वहाँ पे से हमने आम लेने, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है पूरी बाखली दगड़ियो मतलब पहाड़ पहाड़ है यार कौशल्य कर लियो। और ये रहा आम का पेड़, इसी पेड़ के आम हम अभी ले जाएंगे, इस पेड़ के आम तोड़ के अभी अंदर रखे हैं आप लोग देख सकते हो। आम वगैरह लेके हालत ख़राब है गया दगड़ियो। आम जहाँ से हम आम लाए हैं वहाँ से निकले हुए हमको हो गया है आधा घंटा। फिलहाल ऐसा लग रहा है अभी हम कितना ही नीचे चले हैं, जिस हिसाब से अभी हमने अपने घर में पहुँचना है दुगई आगर पहुँचना है एल पे दगड़ियो एल तक तो तहनी उड़ बखत तो डाउन है डाउन छू। फिलहाल अब ऊपर को है पूरी खड़ी चढ़ाई जहाँ से आम लाया वहाँ से लेके घर तक, अब होने वाली है हालत ख़राब कसके ली जाए अरे यार दगड़ियो। अब पा वो धूप में बैठो एक बोतल पाणुल्ला रख रखो, एक बोतल बीच वाल बाट में रख रखो, एक रख रखो मोहल्ला जाड़ ला तीन जाग पानी बोतल रख रखी। फिलहाल क्या होता है कैसा लगता है घर पहुंच के कैसा महसूस होता है अब वो फिर ही पता चलेगा घर पहुंच के ही। तो अब मिलते हैं आपको सीधे बैठने के बाद। फिलहाल तब तक वीडियो में बने रहे प्लीज़, जो चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुलविदा आकी चल लो तल्ला हमला बोटला तुम्हारा ननू नान तो यो गुरु से यो आप यो ड्यूटी यही से यो बोट न कोड़ने बे दिन भर अच्छा एक दस दस बोले दिनों कोड़ी नने जब ने हाँ अब तनख्वाह पड़ जाए मेरी अच्छा एक फोर हूँ बेहतर रहता है यो दस दस बोर्ड ने आंवला छे सनन छे हरड़ छे सात छे अच्छा यो इसी का मतलब लाग रोन भी रोज यो रहता रहता है अच्छा वन विभाग तरफ बस हूँ यो वन विभाग तरफ बे भी हो जो तीन साल है ज्ञान में ये मत हूँ अच्छा अब ये मैं क्या है यो दिखाई दिखाई जने पुरस्कार ले मिलो सरकार बेट हाँ अब रात दिन नौकरी तनख्वाह कमाए भे क्यों सौ रुपया लाओ लाग रोन भे तो दिन भी और
कि कुना ने कतु लगा रहा फिन रुपए बोर्ड फिलहाल बोर्ड मतलब यहाँ उसी का कुछ रेतीले थे नगर पाई जो लोगों ने 10,000 पे लगाई जब पहली लगा फिर हर चौमा से लगाते रूम अच्छा बोर्ड वहीं पे उन्याल बन हुआ बोर्ड नर्सरी नर्सरी पे नर्सरी पे हर चौमा से बीज लगाते रूम अच्छा कहाँ तक लगाई भाई ये पूरा जदू बनीकरण से टोटल अच्छा तर मेल गार तक गए तो ना तो जो हमार कुर्सी हुई दीवार मिल गई वो पूरा आगरवा ने सरदला तक ठीक मतलब इतुक में 10,000 बोर्ड्स हैं 10,000 पे आप बीच में क्या जलीन वगैरह आगा टाइम में क्या नुकसान वगैरह जली थी जैसे ना हाँ उन्हें मैं यो आ जो नहीं पाए नहीं अच्छा नहीं नहीं जैसे आगा यो बीच है यो सुधार सुधार भी नया बहुत डाले जैसे घरी में बनाए थे मैंने हाँ ऐसे ही बना बनो के बीज भी डाला अच्छा जैसे बांज है यो क्या आग सपोर्ट यो से यो वीक से कौन सा यो वीक से यो क्यों कुना ने मैं उस हाँ ना उल्ले आ लखो यो क्यों कुना ने वैसे यो 30 पत्ते अच्छा हाँ तो उल्का 10 लाख हो 30 पत्ते है क्यों और इसी का यो उल्ले बीज हो हाँ ये उल्ले 30 पत्ता ही से जैसे दुबरा दुबरा पौ जाने हाँ ये आग लाग भी दुबारा पौ आ रहे हैं दुबरा पौ आ रहे हैं इन्हें मैं गुलाय आग हाल दिने भी आए हो हाँ बेट आप कौन समाये हो तू ये कॉल आप बच्चे अकेला ठहरा मैं हाँ तो फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में जितना चल के आए हैं उतना ही और चढ़ना है हालत यार दगड़ियो खराब है गए कदू बाहर है रियान लाइम किलो है कतु किलो 20 किलो 20 किलो छ यार हिम्मत मेरा कम है छन मेरे पुती ने लाइन भाई साहब खड़ी मुझ जाननी मैं मुझे दगड़ कर रहनी तब ले गई हल्को चलो थोड़ा बहुत आज ला ठीक से फिलहाल दगड़ियो हिटन है मैं मेल बेल लग रहे घमा चार हालत खराब है गया दगड़ियो फिलहाल दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं घर में और हालत तो इतनी खराब होगी ना दगड़ियो क्या ना बता सकनी सबसे पहले अब नहाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं उसके बाद आराम से बिस्तर में सो जाते हैं पंखा लगा के गर्म है हालत ख़राब है यार दगड़ियो अब ठंडे पानी ले बुखार ना तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद नमस्कार तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में।